हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए। हम प्रोनाउन के लिए पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आज हम उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज देखेंगे। तो प्रीति सेज दैट डैश लाइक्स ऑरेंजेस, यानी कि शी लाइक्स ऑरेंजेस। शी इसलिए आएगा क्योंकि लड़कियों के साथ शी आता है। डैश इज एन एक्टर, एक्टर लड़का है तो ही इज एन एक्टर। शी लाइक्स डैश ड्रेस, तो ड्रेस है यानी कि लड़की की बात हो रही तो हर आएगा। हिम लड़कों के साथ आता है। डैश एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। एम के साथ हमेशा आई आता है, ये आप हमेशा के लिए याद कर लें। डैश इज शीना, डैश इज डैश सिस्टर। तो शी इज शीना, शीना एक लड़की है। शी इज माई सिस्टर। गरन एंड हर डैश मदर केम टूडे, तो यानी कि उसकी मदर लड़की है तो हर आएगा। डैश हैव एन अंकल, इधर ऑप्शन दिया है आई और ही, तो ही हैव एन अंकल नहीं हो सकता क्योंकि हैव जो है वो प्लूरल है। प्लूरल के साथ आई आ सकता है पर ही नहीं आ सकता, ही के साथ हैज आएगा। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि आई हैव एन अंकल, डैश नेम इज़ राजू, यानी कि हिज नेम इज़ राजू। हर और हिज में हिज आएगा, हर आएगा नहीं क्योंकि लड़के का नाम है। डैश ही और शी इज अ सिंगर, तो सिंगर है यानी कि लड़का है तो ही इज अ सिंगर। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।